Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट होने में अधिकतर महिलाओं के पेट में दर्द होता है, बट कई महिलाओं को ये नहीं पता है कि पेट में एग्जैक्टली कहाँ पर दर्द होता है, किस तरीके का दर्द होता है और ये दर्द कितने दिन तक महिलाओं में रहता है. अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप अपनी प्रेगनेंसी को भी बहुत जल्द पहचान सकते हैं, क्योंकि पीरियड आने से पहले भी कई महिलाओं के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है. और प्रेगनेंसी का भी बहुत अर्ली लक्षण है पेट में दर्द होना. तो इन दोनों ही दर्द में किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से आप पीरियड डेट से पहले ये पता कर सकते हैं जो आपके पेट में दर्द हो रहा है ये पीरियड आने का साइन है या आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं. और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं तो ये हेल्दी प्रेगनेंसी है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में भी महिलाओं के पेट में दर्द होता है. तो ये किस तरीके का दर्द होता है, कैसा दर्द होता है, कैसे आप ये तीनों दर्द में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. बट उससे पहले आप ये जान लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है. देखिए, नॉर्मली केस में क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है. और फेलोपियन ट्यूब कोई इतनी बड़ी जगह नहीं होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज एग ग्रो एंड डेवलप नहीं हो सकता है. तो अगर महिलाओं की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ये महिलाओं के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन सकता है. इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो वो दर्द क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, तो वो आपको इस वीडियो से बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा. उसके लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो पीरियड आने से पहले महिलाओं में दर्द होता है वो दर्द पेट के कौन से हिस्से पे होता है, एग्जैक्टली कहाँ पर होता है और किस तरीके का दर्द होता है. आपने देखा होगा या आप फील भी करते होंगे, पीरियड आने से पहले आपको दर्द होता है. कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले 3-4 दिन पहले से ये दर्द स्टार्ट हो जाता है और कई महिलाओं को इवन 1 हफ्ते पहले से ही पीरियड आने का दर्द स्टार्ट हो जाता है. जो पीरियड आने का दर्द है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये दर्द महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में ही होता है, यानी जो नाभि के नीचे का पोर्शन होता है उस एरिया में ही ये दर्द होता है. बट पीरियड आने का दर्द आपको हमेशा या तो मॉडरेट होगा या आपको सीवियर होता है. आपको कभी भी ये दर्द माइल्ड नहीं होता, यानी कभी भी ये दर्द बिल्कुल कम नहीं होता है. कई महिलाओं में तो जो पीरियड आने का दर्द होता है वो अनबियरेबल होता है, यानी सहन ही नहीं किया जाता. और कई महिलाओं में जो पीरियड आने का दर्द होता है वो बिल्कुल डल होता है, यानी बिल्कुल हल्का हल्का लगा रहेगा, जो तब तक लगा रहेगा जब तक आपको पीरियड्स नहीं आती हैं. और जो पीरियड आने का दर्द होता है आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं, ये दर्द आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया से लेके पाल्विक एरिया में होता है, लोअर बैक में होता है, कमर में होता है और उसके साथ साथ आपकी थाइज में यानी जांघों में होना भी शुरू हो जाता है. जांघों के अलावा भी आपके लोअर लेग में भी होना शुरू हो जाता है. ये दर्द बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका मसल में पेन होता है, वो मसल पेन अगर आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में फील हो रहा है तो ये दर्शाता है कि आपको पीरियड आने वाले हैं. अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में जो महिलाओं को दर्द होता है वो हमेशा माइल्ड होता है, और वो दर्द भी महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है, यानी नाभि के नीचे ही होता है. बट नाभि के नीचे एग्जैक्ट एरिया में आपको बता देती हूँ, जो आपकी हिप बोन होती हैं गाइस, हिप बोन जो आपकी जहाँ पे आपकी थाइस स्टार्ट होती है वहाँ पे हिप बोन होती है, आपकी हिप बोन के अंदर की साइड को ये दर्द आपको फील होता है. और ये दर्द कभी भी आपको सीवियर नहीं होगा, शार्प नहीं होता है, माइल्ड ही होता है. ये 2-3 दिन तक ये दर्द रहता है. ये दर्द आपका लोअर एब्डोमिनल से लेके पाल्विक एरिया में, लोअर बैक में, कमर में होता है और कभी भी आपका थाइज में ये दर्द नहीं होता है. ये दर्द में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी हल्की हल्की सी मरोड़े पड़ रही हैं या आपको हल्की हल्की सी चुभन हो सकती है, पेट टाइटनिंग जैसी फील हो सकती है. अगर ये सब आपको पीरियड डेट से पहले फील हो रहा है तो इजीली आप पहचान सकते हैं कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है. और अगर आपको ये जानना है जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में ही दर्द होता है, पर जो ये दर्द होता है ये आपको माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है. और जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दर्द है वो आपको लोअर एब्डोमिनल एरिया में सिर्फ एक ही साइड फील होता है, आपको एक ही साइड ये दर्द होगा. और ये दर्द आपका लोअर एब्डोमिनल से लेके पाल्विक एरिया में,
आपकी लोअर बैक में, कमर में और साथ में शोल्डर में भी होने लग जाता है। अगर ये दर्द आपका शोल्डर तक पहुंच रहा है तो ये दर्शाता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में महिलाओं का ब्राउन डिस्चार्ज भी निकलना शुरू हो जाता है। इस डिस्चार्ज में महिलाओं को स्मेल भी आने लगती है और साथ में कुछ डिस्चार्ज में आपको टिश्यूज भी दिखेंगे। अगर इस तरीके का आपका डिस्चार्ज निकल रहा है और आपका पेट में इस जगह पे पर्टिकुलर दर्द हो रहा है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है। इस कंडीशन में आपको तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए और पता लगाना चाहिए जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो। तो गाइज, इस वीडियो से होप करती हूँ अभी आपको समझ आ गया होगा जो आपके पेट में दर्द हो रहा है वो दर्द आपको क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किस तरीके से आप इस दर्द से अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो गाइज, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।